सुनीता सिंह और आप देख रहे हैं आईबीएन 9 न्यूज़। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। नरसिंहपुर में दो बच्चियों के साथ हो चुके दुष्कर्म की वारदात को लेकर नरसिंहपुर की महिला ब्रिगेड ने मोर्चा संभाला है। लगातार हो रही रेप की वारदात को लेकर नारी शक्ति निकले सड़कों पर। नरसिंहपुर जिला मुख्यालय पर रैली निकालकर किया प्रदर्शन। जिला मुख्यालय का व्यस्ततम सुभाष पार्क चौराहा पर मानव श्रृंखला बनाकर किया चौराहा जाम। आक्रोशित नारी शक्ति ने सख्त कानून व्यवस्था बनाने की अपील की, जिससे आरोपियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके और समाज के लिए नया उदाहरण बन सके। रेपिस्टों के अंग भंग नपुंसक बनाने की मांग कर डाली। आने हैं जहाँ पे कोचिंग सेंटर्स है वहाँ पे नीचे लड़के खड़े होकर लड़कियों को छेड़ते हैं, हूटिंग करते हैं, उनके ऊपर भी सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। मैं खैरी नाका पर रहती हूँ, वहाँ पे भी शराब की दुकान है, वहाँ पे पुलिस को होना चाहिए, हर जगह प्रेजेंट होना चाहिए, इतनी सारी पुलिस है और कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है इस बात पे। देखिए क्या है, जो मैंने अभी जैसे बताया ये बात बिल्कुल सही है कि जो हमारी नारी शक्ति है, महिला शक्ति है, ये इनका उग्र होना स्वाभाविक है क्योंकि देश में लगातार ऐसी घटनाएं हुई हैं। हम लोग भी इनको लेके चिंतित हैं, तो जो भी आवश्यक उपाय होंगे हम लोग पूरी गंभीरता से उनको करेंगे। और इसमें नारी अकेली नहीं है, ये पूरे समाज की पीड़ा है। ये बात अलग है कि आज पुरुष या बच्चे इसमें नहीं दिख रहे हैं, और जो मन चले या ये बात की जा रहे हैं, बहुत कुछ इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि एक आदमी जब भीड़ का अंग होता है तो वो बच्चे कुछ और करने लगते हैं। आज इस तरह से नारी शक्ति संगठन द्वारा आज ज्ञापन सौंपा गया है और देश में हमारे हो रही जो घटनाओं को लेकर के और नरसिंहपुर में जो एक दो घटना हुई थी उसको लेकर के जो ज्ञापन सौंपा है, तो हम लोगों ने, हमारे यहाँ एक निर्भया मोबाइल है, वो 24 घंटे मतलब 12 घंटे लगातार काम कर रही है और जहाँ पर भी संदिग्ध स्थान है, स्कूल कॉलेज के ग्राउंड है, अंधेरे वाले क्षेत्रों में लगातार हम लोग गश्त कर रहे हैं। चूँकि देश में इस तरह की घटनाएं हुई तो हम लोग काफ़ी सक्रिय हैं और बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं। यदि जिस तरह से कुछ मनचले मोटरसाइकिल वगैरह में छेड़छाड़ करने की जो घटनाएं एक दो हमारे प्रकाश में आती है तो हमने निश्चित कार्रवाई की है। आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ आईबीएन 9 न्यूज़ में। हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें।